नो डाउट। तो एक बार मुझे जस्ट आप लोग बता दो, आप लोग कौन कौन सी डोमेन में अभी काम कर रहे हो बेसिकली? मैं तो अभी डिलीवरी मैनेजर हूँ सर, आप डिलीवरी मैनेजर हो, कौन सी कंपनी में हो? फिनसोल, फिनसोल कंसल्टेंसी बोल के। हाँ इंसोल कंसिस्टेंसी। ये क्रेडिट कार्ड्स में रहते हैं। अच्छा, तो आप क्या क्या करते हो? मैं पूरा डिलीवरी, जितने भी डिलीवरीज के है ना, पूरा मैं इंचार्ज हूँ, पूरा टीम से काम करा के लेता हूँ। डिलीवरी में क्या करते हैं आप लोग, क्या डिलीवर कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं? अच्छा, क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड बना के आप दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के जो भी बैकएंड में जो होता है ना, वो पूरा सिस्टम बनाते वो पूरा सिस्टम आप बना के दे रहे हो, राइट? संजू आप क्या करते हो? संजू आप हैं। क्या? हाय गुड मॉर्निंग, गुड या मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग। गुड मैं मॉर्निंग। डिलीवरी और ऑपरेशंस दोनों देख रही हूँ। राइट, सो आप करंटली मैं डिलीवरी अम्ब्रेला और इन्फो केयर के ऑपरेशन, पेरोल पर हूँ और ईएक्सएल में डिप्लॉयड हूँ। ईएक्सएल मेरा क्लाइंट है। हाँ ईएक्सएल। जी, तो यहाँ पे क्या है कि एंटरप्राइज नेटवर्क है पूरा। अच्छा, एंटरप्राइज नेटवर्क। हाँ जी, अच्छा, और टोटल एक्सपीरियंस कितना है? टोटल एक्सपीरियंस 13 इयर्स। 13 ईयर्स एक्सपीरियंस है। टू मच एक्सपीरियंस है आपका, अच्छा एक्सपीरियंस है। तो पहले आपका कौन कौन सा डोमेन था? पहले पहले मेरा नेटवर्क डोमेन था। सो पहले मैं आपका एंटिटी में थी। एंटिटी के अंदर जैसे हमारे क्लाइंट्स थे, जापानीज क्लाइंट्स थे, होंडा है, मित्सुबिशी है, हिताची है, इनको हम लीज लाइन प्रोवाइड करते थे। फॉर एग्जांपल एमपीएलएस का हमने उनको लिंक दे दिया उनके प्लांट्स के अंदर, और उसकी हम एंड टू एंड कनेक्टिविटी दे रहे हैं। हमारे पोप्स थे, मे बी एक नोएडा में था और एक बैंगलोर में है। सो वहां से फिर फर्दर कनेक्टिविटी जा रही थी करियर को। और लास्ट माइल हमारा जैसे इंडिया के अंदर टाटा है, सिफी है, भारती है, इनसे हमने लास्ट माइल के लिंक्स लिए हुए थे। तो अच्छा, इनकी इनके लिए जो नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर टीम है उसको मैं मैनेज करती थी एंड हैंडलिंग द क्लाइंट एस्केलेशन। सो इट वॉज लाइक ऑफ यू नो सेमी टेक्निकल प्लस मैनेजमेंट रोल। AWS में आने का कैसे विचार बन गया? यार AWS में यही था कि मतलब फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है वो AWS ही है, तो फिर मेरे को ऑफर आया। तो और मेरे को भी मतलब था इंटरेस्ट कि अभी जो कंपनीज है वो तो क्लाउड की तरफ ही मूव कर रही है, तो फिर क्यों ना AWS की तरफ ही जाया जाए। अच्छा, तो देखो फाइनल क्या है कि हर कंपनी को प्रोडक्ट बनाना है और प्रोडक्ट की डिलीवरी करना है। जैसे कि आप दोनों डिलीवरी बैकग्राउंड से, तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाते होंगे। हर कंपनी का फोकस है प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट को डिलीवर करना। प्रोडक्ट कुछ भी, नंबर ऑफ टाइप के प्रोडक्ट्स मार्केट में, लाइक आप किसी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या आप अगर आप किसी के लिए कोई हार्डवेयर प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, तो उस प्रोसेस में भी आप सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? जैसे कि मैं अगर एग्जांपल्स की बात करूं, अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो मेन बिजनेस है, जो मेन गोल है, वो ये कि आपने मोटर्स व्हीकल को बनाना और कस्टमर तक डिलीवर करना, राइट? लेकिन अगर हम इन इनके मेन गोल में देखें, तो आईटी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कोई भी चीज़ ये लोग ऑफलाइन नहीं कर रहे हैं, ये ऑनलाइन कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है? तो सारी कंपनी का फोकस यही है कि आप प्रोडक्ट बनाएं और प्रोडक्ट को डिलीवर करें। कोई कंपनी ऐसा है जो प्रोडक्ट खुद के लिए बना रही है और खुद के लिए यूज करती है, लाइक उनका एनवायरनमेंट इतना बड़ा है, जिसको आप लोग प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी बोलते हैं, ठीक है? कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो किसी के थ्रू ये काम करा रही हैं, राइट? और जो ये प्रोडक्ट बना के दे रहा है और प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए, ऑपरेशंस वर्क के लिए जो सपोर्ट दे रहा है, वो सर्विस बेस्ड कंपनियां हो जाती हैं। तो बेसिकली क्या है कि आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्ट बनना है, उसकी डिलीवरी करनी है, दो चीज होते हैं। इन दोनों की चीज, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर हम लोग ऐड करते हैं, तो फिर हमें रिसोर्सेस की नीड बढ़ना स्टार्ट होती है। रिसोर्सेस की नीड पड़ती है, हम लोग रिसोर्सेस ऑन प्रमाइसिस में लगाते हैं, जिसको हम लोग डेटा सेंटर बोलते थे अपनी लैंग्वेज में।
कि हमारा डेटा सेंटर, मतलब डेटा सेंटर मतलब एक सिंगल लाइन में आपने बोल दिया डेटा सेंटर, मतलब सारे रिसोर्सेस आ गए आपके, आपके डेवलपमेंट एरिया भी आ गए, ऑपरेशन एरिया भी आ गए, डिलीवरी सब कुछ आ जाता है उसके अंदर, राइट। पहले हमारे पास ऐसा कोई क्लाउड का एग्जांपल्स नहीं होता था, हमारे पास कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर्स नहीं थे, तो हम लोग क्या करते थे, अपने प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करना और डिलीवरी करने में जो रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती थी वो हम लोग खुद ही ऑन प्रमाइसेस में सेटअप करते थे, या फिर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते तो वो आपको ये सेटअप करता था, बट सेटअप आप ऑन प्रमाइसेस में ही कर रहे हो। प्रॉब्लम्स क्या होती थी, काम तब भी चलता था और आज भी काम रुकता नहीं। प्रॉब्लम्स ये होती थी उस टाइम पे कि हमें कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आईटी इंफ्रा पे हमें एक हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, आईटी इंफ्रा को लेके। और हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा था, मैन पावर चार्जेस भी बहुत लगते थे। मतलब घुमा फिरा के अगर मैं बोलूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मेरे को कोई ऐसी ऑफ बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे आईटी को यूज करना है, तो आईटी का भी एक बजट मुझे अलग से पास करना पड़ता था कंपनी को। अगर आप बात करो ऑटोमोबाइल की, अगर आप बात करो पावर इंडस्ट्री की, अगर आप बात करो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की, अगर आप बात करो बैंकिंग इंडस्ट्री की, तो आज के टाइम पे कोई एक नया बैंक भी ओपन होता है ना, तो फर्स्ट डे से उनके मोबाइल एप्लीकेशंस, उनके वेबसाइट लॉन्च हो चुके होते हैं। ऐसा कभी नहीं करते आज के टाइम पे कोई कंपनी की, ठीक है बिजनेस स्टार्ट करते हैं ऑफलाइन मोड से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे रेवेन्यू जनरेट होगा तो ऑनलाइन मोड में जाएंगे, नहीं। फर्स्ट डे से आप देखो किसी भी, चाहे वो स्मॉल लेवल का बिजनेस हो या बड़े लेवल का बिजनेस हो या किसी कंपनी का, सब बिजनेस क्रिएट सेटअप कर रहे हैं, फर्स्ट डे से उन उसका ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट हो जाता है। तो उनको एक आईटी में भी एक अलग से बजट पास करना पड़ता था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में, सेटअप लगाने में, मैन पावर हायर करने में, ज्यादा से ज्यादा मैन पावर हायर करनी पड़ती थी आपको क्योंकि आपका फिजिकल सेटअप है, तो एक हैवी इन्वेस्टमेंट होता था, ऑपरेशंस वर्क मेंटेनेंस कॉस्ट। लेकिन जब से ये क्लाउड प्रोवाइडर्स आए ना मार्केट में, तो सबसे पहले आप जो आपका जो कॉस्ट बच जाता है, वो कॉस्ट बचता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, अपफ्रंट कॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, कि अगर मैं कोई नया बिजनेस सेट कर रहा हूँ, अभी सेटअप करने जा रहा हूँ, तो वहां पर अगर मेरे को आईटी इंफ्रा ऑन प्रमाइसेस में लगाना है, तो वहां पे मुझे 2 करोड़ रुपए मान लो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्टार्टिंग में लग रहे हैं, बाद में मैन पावर मेंटेनेंस तो अलग बात है, वो मेरे स्टार्टिंग के 2 करोड़ मेरे बच जाएंगे। 2 करोड़ तो एक एग्जाम्पल है, बड़े बड़े सेटअप 10 करोड़ 20 करोड़ के लगते हैं डेटा सेंटर, तो इस स्टार्टिंग का आपका बच गया पूरा का पूरा। प्लस जब आप ऑन प्रमाइसेस में कोई भी चीज सेटअप करते हो, तो वहां पे मैन पावर की भी नीड बहुत पड़ती है। क्यों पड़ती है मैन पावर की नीड, क्योंकि आप देखो तो आपको एक पहले एक प्ले आपको एक स्पेस लेना पड़ेगा, राइट। आपको उसको बाउंड्री वॉल करनी पड़ेगी, देन उसके बाद आपको सिक्योरिटी सिस्टम्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, कैमरास, राइट, आपको एयर कंडीशन सिस्टम इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, फिजिकल सिक्योरिटी गार्ड्स की आपको नीड पड़ेगी, पेस्ट कंट्रोल की नीड्स पड़ेगी, राइट, इलेक्ट्रिसिटी की नीड पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप की नीड पड़ेगी, फिर डेटा सेंटर तो बाद में चाहिए, हार्डवेयर स्विच राउटर सब बाद में चाहिए, बट पहले आपको ये सारी चीजें चाहिए। फिर सारी चीजें आपकी बिल्डिंग में है, तो आप देखो आपके हार्डवेयर क्रैश हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंस चाहिए, राइट, आपके एयर कंडीशन खराब हो रहे हैं, आपके पेस्ट कंट्रोल सिस्टम खराब हो रहे हैं, आपके यूपीएस बैकअप सिस्टम मेंटेनेंस चार्ज मांग रहा है, तो ये अपफ्रंट कॉस्ट इन्होंने बचा दिए जब से मार्केट में क्लाउड प्रोवाइडर है। तो क्लाउड प्रोवाइडर बेसिकली क्या, इन्होंने क्या मार्केट में लॉन्च किया, इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हर किसी को सेटअप स्टार्ट करने के लिए डेटा सेंटर की नीड है, हर किसी को सेटअप स्टार्ट करने के लिए डेटा सेंटर की नीड है। इन्होंने बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये किया कि इन्होंने अपना एक हैवी इन्वेस्टमेंट कर लिया और बोला कि आपको अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है, तो ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप फोकस मत करो, आप हमसे ये चीज ले लो, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अपफ्रंट कॉस्ट बच जाएगा, हाई मैन पावर की नीड वहां पे अगर आप ऑन प्रमाइसेस में लगाते हो आपको 100 मैन पावर्स की नीड पड़ती थी, यहाँ पे आपको 20 मैन पावर्स में काम हो जाएगा, क्योंकि
80% बैकग्राउंड चीजें तो हम हैंडल कर रहे हैं आपकी, हम आपको हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हम आपको डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग प्रोवाइड करते हैं, आपको हाई माइग्रेशन प्रोवाइड करते हैं। समझ आ रही मेरी बातें? जस्ट लाइक अगर हम लोग देखें तो इसको ऐसे समझ सकते हो, आज के टाइम पे आप देखो इतने सारे ऑनलाइन डिलीवरी एप्लीकेशंस है, जोमेटो है, स्विगी है, ब्लिंकिट है, राइट? तो अगर हम लोग देखें तो इसकी नीड हमें नहीं थी, राइट? हमें जोमेटो की नीड नहीं थी, स्वैगी की नीड नहीं थी, ब्लिंकिट की नीड नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे आप देखो तो कहीं ना कहीं हमारे टाइम को बचा रहा है, राइट? अगर मैं ऑफिस में हूँ और मुझे अगर किसी चीज की नीड पड़ गई, लाइक मुझे बाहर से खाना खाना, तो मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं, मैंने किसी एक अच्छे रेस्टोरेंट को सेलेक्ट करके मैंने जोमेटो स्वैगी से ऑर्डर कर लेता हूँ। तो सेम वैसे ही है, इन्होंने ऐसे ही कुछ प्रिडिक्ट किया और लोगों को, इनको लगा कि यार लोगों को नीड पड़ती है, और इन्होंने अपना एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया और लोगों को अपना प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरा डेटा सेंटर देना स्टार्ट कर दिया। डेटा सेंटर के साथ ईच एंड एवरी सर्विसेज इन्होंने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, जो भी आपको चाहिए, लाइक कोड कमिट चाहिए, कोड बिल्ड चाहिए, कोड पाइपलाइन चाहिए। कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट से लेकर ऑपरेशन से ले तक और एंड में डिलीवरी तक सब कुछ इन्होंने दिया। क्या हमें नीड क्या पड़ती है इंडस्ट्री में? ऑप डेवलपमेंट करना है, उसको डिप्लॉय करना है, उसको डिलीवर करना है, मेंटेनेंस करना है, मॉनिटरिंग करनी है, सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? तो बेसिकली आप अगर AWS पे आ रहे हो, ठीक है, अगर आप AWS में, आप डिसीजन आपने लिया है कि यार AWS में मूव होके आ रहा हूं, तो ये कभी नहीं सोचना है कि AWS में आने का मतलब है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर लगाने का काम करना होता है। ऐसा नहीं है, AWS में आने के बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाते हो, लाइक और उसके बाद मॉनिटरिंग सेटअप भी आप कर सकते हो, ऑपरेशंस भी कर सकते हो, आप डेवऑप्स भी इसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो, डिलीवरी सेटअप भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप मशीन लर्निंग सेटअप भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, सब कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आप अगर किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हो, राइट, आप अगर किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हो तो आपको वहां पे हर चीज मिल जाती है, जस्ट सेम है क्लाउड। अब आप मुझे बता दो, आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाओ और ऐसी एक चीज बता दो जो आपको वहां पे नहीं मिल रही हो, कोई एक चीज आपके रोजमर्रा से लेके बड़ी से बड़ी चीजें। आपको ग्रोसरी के सामान भी मिल जाते हैं, आपको आपके राशन भी मिल जाते हैं, आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं, इवन होटल्स भी आपको मिल जाते हैं, आपके गारमेंट्स तो अवेलेबल रहती हैं, आपको पता है मॉल्स वगैरह में, आपको बार भी मिल जाता है, आपको क्लब पार्टी करने के लिए भी सब कुछ मिल जाता है, A to Z आपको एक बड़े शॉपिंग मॉल में मिल जाता है। सेम आपका क्लाउड है, कि क्लाउड में आने के बाद सिर्फ ये नहीं सोचना है कि यार कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्लाउड का सिलेक्शन किया, सब कुछ मिल जाएगा। एक आईटी इंडस्ट्री को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेके उसके डिलीवरी तक के लिए जो रिसोर्सेज की नीड पड़ती है, वो सारे रिसोर्स, ईच एंड एवरी रिसोर्सेस आपको क्लाउड में आके मिल जाते हैं। यहां तक क्लियर हो आप सबको? हाँ जी यस तो बेसिकली जो स्टार्टअप लेवल की कंपनियां होती हैं, राइट, वो बहुत जल्दी क्लाउड को प्रेफर करती हैं, क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है, कोई भी कंपनी स्टार्टअप कर रहा है, तो क्लाउड को बहुत जल्दी प्रेफर करती है, क्योंकि आपके अपफ्रंट कॉस्ट सबसे पहले बचना है। अपफ्रंट कॉस्ट बचने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यार ठीक है, हमने स्टार्ट किया बिजनेस, अगर नहीं चला तो हमारा अपफ्रंट कॉस्ट तो वेस्ट नहीं जाएगा, हम जितने महीने या जितने ईयर हम यूज करेंगे उतने ईयर्स के हमें बिल देना है, देन उसके बाद आप सर्विस डिसकंटिन्यू कर दो, आपको बिल नहीं आएगा। तो स्टार्टअप कंपनियां जो होती हैं बहुत जल्दी मूव करती हैं, और कई कंपनियां तो
रनिंग कंपनियां भी माइग्रेट कर रही हैं, क्योंकि रनिंग कंपनियां को भी ये बात पता चल चुकी है कि आपने अपफ्रंट कॉस्ट तो लगाया लेकिन हर 5 ईयर्स के बाद भी आपको डेटा सेंटर री इनोवेट करना पड़ता है, क्योंकि आपने जो हार्डवेयर आज खरीदा है वो आपके आउटडेटेड हो जाते हैं, आपके स्विचेस राउटर आउटडेटेड हो जाते हैं, आपके एयर कंडीशन 5 साल के बाद आउटडेटेड हो जाते हैं, हर चीज की एक लाइफ होती है। तो हर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, या 2 साल के बाद, या 3 साल के बाद कंपनी को अपने डेटा सेंटर पे दोबारा से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। तो कंपनी ने बोला कि ये तो ज्यादा बेटर है कि क्लाउड की साइड मूव कर जाते हैं। सिर्फ ये एक टेक्निकल रीजन नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे टेक्निकल रीजंस हैं। लाइक अगर आपके ऑन प्रमाइसेस में आपने सेटअप लगाया तो आपको लाइक माइग्रेट करना है डेटा सेंटर, तो इतना इजी नहीं होता था माइग्रेट करना। मेरा अगर डेटा सेंटर गुड़गांव में है और मैं बैंगलोर में माइग्रेट करना चाहता हूँ तो इतना इजी नहीं है, मुझे पहले बैंगलोर में भी प्लेस स्पेस देखना पड़ेगा, वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने पड़ेगा, देन उसके बाद वहां पर भी सेम इन्वेस्टमेंट करूंगा, देन उसके बाद फिर यहाँ से डेटा माइग्रेट करूंगा। एक लेंथी प्रोसेस होता था, पैसे तो चलो जा रहे हैं, टाइम भी लग रहा है, बट क्लाउड में आने के बाद ये क्या बोलते हैं कि आपको माइग्रेशन आपको बहुत इजी हम दे देंगे, विद इन आवर्स आप माइग्रेशन कर सकते हो वन कंट्री से दूसरी कंट्री में। डिजास्टर रिकवरी की प्लानिंग हम आपको बहुत बेटर दे रहे हैं, हम आपको हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ड्यूरेबिलिटी मतलब आप हमारे अंदर कोई डेटा आप लाके स्टोर करते हो तो उसका लाइफ क्या होगा। जैसे अगर आप किसी को कमिटमेंट करते हो ना कि यार मेरे हार्ड ड्राइव में अगर डेटा रखा है तो यार 5 साल तक कहीं नहीं जाएगा, ऐसे ये लोग कहते हैं कि हम आपको ड्यूरेबिलिटी 99.11 टाइम्स 9 दे रहे, मतलब टोटल 11 टाइम्स 9 ये ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जब इसका रेशियो कैलकुलेट करके निकाला गया तो निकल के आता है कि अगर आपने 10,000 डेटा, एक सिंगल डेटा एक फाइल को, एक डेटा मैं बोल रहा हूँ, तो 10,000 फाइल अगर आपने मान लो रखा हो, रखते हो इनके ऊपर, तो 10,000 करोड़ ईयर्स के बाद 2-3 फाइल लॉस होने के चांसेस हैं, ये ऐसे कमिटमेंट करते हैं। क्योंकि इन्होंने बैकअप सर्विसेज इतनी अच्छी डिजाइन, सॉरी ब्रेक हुआ है क्या कहीं पे टॉपिक, मेरा नेट गया था अभी। क्लियर है साउंड? हाँ जी, अभी क्लियर है। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। ठीक, तो ये वाला मेरा पॉइंट समझ आ गया ना कि हर एक चीज आपको यहां पर अवेलेबल है। जी हाँ, क्लियर है सर। एक एक मिनट जस्ट होल्ड करें। तो बेसिकली जो अगर कहते हैं कि कोई भी बंदा AWS पे स्विच करना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो सबसे पहले उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है, ये तो उसको पूरा आना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना। इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के बाद एक मिनट ना, मेरा नेट बार बार जा,
एक बार कंफर्म करना, मेरे को साउंड आ रहा है ना आप लोगों को? नाउ आई थिंक इट्स ओके। ओके ओके ना, ठीक है। तो अगर आप AWS में मूव कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार AWS पे मैं मूव करने के बाद मुझे, मेरा जब AWS कंप्लीट हो जाएगा तो मैं, मेरा लेबल किस कहाँ पे होगा, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे आप संजय, लोग, मुझे मुझे जो है ना एक्चुअली सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की प्रोफाइल के लिए मूव करना है, तो क्या ये कोर्स सफिशिएंट होगा? मैं बता मेरा रहा हूँ मतलब बेसिक क्लियर है? हाँ आपका ये चीज है, राइट? एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए मूव करना है, ठीक है? कोई नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ और मेरे को AWS में 2 इयर्स हो गए अभी काम करते हुए। हाँ 2 ईयर्स आपने काम कर लिया, जी, मैं आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ, ठीक है? जी देखो, जी ठीक है? तो जैसे कि हम लोग अपने आप को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं ना कि 2 साल के बाद मैं, मेरा ये पोजीशन होगा, या फिर मैं इस लेवल पे होऊंगा, या मेरा पैकेज ये होगा, तो सेम वैसे ये कि आपका AWS कंप्लीट होने के बाद आप अपने आप को किस लेवल पे देखोगे और आपकी नॉलेज किस लेवल पे होगी, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो एक बार आप बताओ कि आपने AWS पे क्या क्या किया है अभी तक? कंट्रोल टावर के थ्रू मेरे को अकाउंट क्रिएट करने आ गए, अकाउंट फैक्ट्री के थ्रू संभव मैं टीम की हेल्प से कर लेती हूँ। मेरे को OUs वगैरह क्रिएट करने आते हैं, SCPs थोड़ी बहुत मैं लगा लेती हूँ ऑन OUs और ऑन अकाउंट लेवल, EC2 वगैरह मैं क्रिएट कर लेती हूँ, और थोड़ी बहुत जो ट्रबल शूटिंग होती है वो मैं कर लेती हूँ। जैसे अगर कोई इंस्टेंस से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है तो क्या कुछ सिक्योरिटी ग्रुप में मिसिंग है, जिस सोर्स से हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो सोर्स अलाउड है या नहीं है सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, और नेटवर्किंग का मेरा ठीक ठाक है फंडामेंटल्स, PPC, ट्रांजिट गेटवे, राइट, मतलब इसमें है मैं थोड़ी आप, क्लियरिटी। हाँ मैं अगर बोलूं कि आप ऑपरेशंस वर्क में काम कर रही हैं बेसिकली, राइट? अगर करेक्ट, हाँ जी, आपको, अगर आपको कोई ये टास्क दे, लाइक कंसल्टेंट का टास्क दे, कंसल्टेंट का टास्क मींस कि आपको किसी कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर बना दे, ठीक है? और आपको बोले कि जस्ट एक मिनट, समझ आ रही है? तो मान लो आप किसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर हो और आपकी कंपनी ने प्रोजेक्ट्स उठा लिया है, ठीक है? किसी भी क्लाइंट्स का प्रोजेक्ट उठा लिया है, XYZ। अब उस क्लाइंट का प्रोजेक्ट्स आपको सेटअप करना है, उसकी, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि क्लाइंट्स ने आपको सिर्फ ये चीज बताई है कि मेरे इनिशियल स्टेज पे 5,000 यूजर्स होंगे, ठीक है? आफ्टर 3 मंथ, ठीक है, आफ्टर 3 मंथ मेरे जस्ट 20,000 यूजर्स हो जाएंगे और फिर ग्रो करते रहेंगे हर 3 महीने में, और मेरे यूजर्स एक दिन में, एक यूजर्स एस्टिमेटली अगर अब देखा जाए तो 200-300 MB डेटा जनरेट करेगा। तो आप उनके अकॉर्डिंग देख लो, 5,000 यूजर्स के अकॉर्डिंग आपको कितना स्टोरेज सेटअप इनिशियल स्टेज में लगाना होगा। और उन्होंने बोला कि मुझे डाउन टाइम नहीं चाहिए, मुझे हाई अवेलेबिलिटी 100% चाहिए। मतलब हाई अवेलेबिलिटी 100% मतलब कि मेरे क्लाइंट्स को सर्विस 1 सेकंड के लिए भी डाउन नहीं होना चाहिए। वो आप देख लो आप बैक में क्या करना चाहते हो, ठीक है? और ओके, मेरे यूजर सिर्फ एक कंट्री में वैलिड नहीं करते, मेरे यूजर एक कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करते, मेरे यूजर लाइक यूरोप में एग्जिस्ट करते हैं, और आपका ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, एशिया में, सिंगापुर में करते हैं,
और अमेरिका में आप ले लो, कैलिफोर्निया में करते हैं, उन्होंने ये आपको रिक्वायरमेंट बता दी, ठीक है। अब आपको टास्क दिया कि आप बताओ कैसे सेटअप करोगे, क्या बजट बनेगा, क्या पैसा बनेगा, क्या हिसाब किताब, आपको ये करना है, तो ये कर सकते हैं आप, नहीं नहीं राइट। कर सकती, तो मेरे को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि क्या क्या हाँ क्या मैं सर्विसेज यूज कर सकती हूँ, बट पूरा इसको मैं डिजाइन नहीं कर पाऊंगी। जैसे राइट, मैंने ईसीटू तो लगा ली, फिर मैंने बेसिकली ऑटो स्केलिंग यूज कर लिया। हाँ, तो बेसिकली हमारे इस ट्रेनिंग का एजेंडा यही है कि ऐसे चीजों को भी आप हैंडल करना है, बिल्कुल ठीक है। और ऐसे चीजों को आप हैंडल तब कर पाएंगे जब आपको सारी सर्विसेज आपने खुद से सेटअप किया हो, A to Z, उसकी प्राइसिंग मॉडल, उसके क्रिएशन मॉडल, उसके वर्किंग मॉडल सब आपको पता होना चाहिए, किसका क्या कॉस्ट कटिंग आएगा, एनालिसिस आपको बेटर तरीके से होना चाहिए, तब जाकर आप भी, और एक वेल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और क्या कॉस्ट आएगा, राइट। क्योंकि क्लाइंट को भी आप उसकी रिसोर्सेस का कॉस्ट भी बताना है, साथ में आप मैन पावर का कॉस्ट भी ऐड करके देना है करेक्ट। और सर्विस कॉस्ट भी ऐड करके देना है, GST कॉस्ट भी ऐड करके देना है, तो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। क्योंकि क्लाइंट आपसे क्या बोलेगा कि ठीक है आप ये सर्विसेज हमें देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आप कहीं पे भी लगा रहे हो हमें मैटर नहीं करता, आपने अगर क्लाउड का सिलेक्शन किया तो ठीक है उसको बिल चाहिए होगा, क्लाउड पे आपने इसके लिए जो इंफ्रा लगाया है उसकी रिसोर्सेज के बिल चाहिए उसे, राइट, कि भाई कितना रिसोर्सेज, ऐसा तो नहीं कि उसे उसे भी पता है कि आप क्लाउड पे जा रहे हो तो उसे भी पता होगा क्लाउड पे यार उतना कॉस्ट तो आता नहीं है, तो वो भी क्लाउड के बिल मांगेगा आपसे, वो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अननेसेसरी नीड से ज्यादा आपने रिसोर्सेज लगा दी हो, जितनी नीड नहीं उससे ज्यादा की रिसोर्सेस आपने ले लिया और क्लाइंट के आप लॉस करके चल रहे हो, तो आज नहीं तो कल तो उसको कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है कि यार इतनी की जरूरत थी और आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको सर्विसेज दे रहा है, जो आपका कॉन्ट्रेक्टर है वो, तो उसने ने तो इस कैपेसिटी की रिसोर्सेस लगा ली जो कि आपका इतने में ही काम हो रहा था, अननेसेसरी आप बिल दे रहे हो, तो आपको एक वैलिड तरीके से ये चीज लेके चलना है। देन उसके बाद फिर आप उसमें कितने मैन पावर हायर कर रहे हो, मैन पावर की सैलरीज क्या है, मैन पावर सर्टिफिकेशन के साथ मैन पावर है, वो सब फिर वो बिल बना के आप उनको दोगे, GST बना के दोगे, XYZ, ये पूरा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, यही चाहिए मुझे। तो सबसे पहले तो आपको ये चीजें देखो, क्लाइंट ने आपसे बोला कि मेरे को 5,000 यूजर्स इनिशियल स्टेज में चाहिए और 3 मंथ के बाद 20,000 यूजर्स मेरे आ जाएंगे, फिर बढ़ते जाएंगे लाइक। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूजर्स हैं उनके एप्लीकेशन क्या है, राइट, उनका एप्लीकेशन सेटअप क्या करना है, और उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए इनिशियल हार्डवेयर की नीड क्या है, इनिशियल हार्डवेयर, राइट। तो एप्लीकेशन जो आप रन करने जा रहे हो, और ये भी देखो कि एप्लीकेशन वो लोग आपको डेवलप करके दे रहे हैं या फिर एप्लीकेशन आपको ही डेवलप करना है, अगर एप्लीकेशन आपको ही डेवलप करना है तो फिर आपकी ही कंपनी के डेवलपर्स क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को सुनेंगे कि एप्लीकेशन किस पर्पस का है, गेमिंग एप्लीकेशन है, राइट, या बैंकिंग एप्लीकेशन बनाना है या किस टाइप का बनाना है, वो आपके डेवलपर्स सेट कर देंगे, डेवलपर्स ने एप्लीकेशन बना दी, देन उसके बाद अब आपका काम होगा कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगा कर उनके उन्हें देना है, ठीक और संजय, है। हाँ क्लाउड प्रोजेक्ट मैनेजर एंड क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बोथ आर द सेम रोल नहीं नहीं और बोथ देयर आर सम। सेम नहीं, बोथ आर सेम नहीं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर और जो क्लाउड आर्किटेक्ट जो होता है दोनों में फर्क होता है, राइट। प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, जस्ट लाइक प्रोजेक्ट डीलिंग के टाइम पर उन्हें ये सारी चीजें कंसल्टेंट प्रोवाइड करना पड़ता है क्लाइंट को, एग्जैक्टली लॉजिकली सारी चीजें, और जो आर्किटेक्ट होता है उसका काम होता है कि टीम के साथ मिलकर ये इंफ्रा लगा कर देना, जो डिजाइनिंग पार्ट होता है वो शायद आर्किटेक्ट करता है, राइट? हाँ डिजाइनिंग पार्ट आर्किटेक्ट करता है, लेकिन डिजाइनिंग का जो नेक्स्ट लेवल होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है आपका, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोफेशनल, तो आप डायरेक्ट प्रोफेशनल पे जा भी नहीं सकते हो, क्योंकि जैसे अभी संजू ने बोला कि मैं AWS पे काम करती हूँ, तो अभी ये क्या काम कर रही है, ये जस्ट लाइक सिस ऑप्स का काम कर रही है, ऑपरेशंस का काम कर रही है,
कि सर्टन सर्विसेज को ये क्रिएट करती हैं और उसकी मॉनिटरिंग करती हैं, उसको मेंटेन करती हैं, देखती हैं, राइट राइट। अभी इनके पास डिजाइनिंग की नॉलेज नहीं करेक्ट है। तो ये चीज है। तो जब आप एक आपका हिरार्की होता है कि एकदम से आपको कोई भी डिजाइनिंग नहीं देगा, राइट, एकदम से कोई भी आपको कंसल्टेंट की जॉब नहीं दे देगा कि आप आ जाओ मेरे बिजनेस टीम में बैठ जाओ और आपका काम आर्किटेक्ट सेट करना नहीं है, आपका काम रिसोर्सेस लगाना नहीं है, आप क्लाइंट की मीटिंग में जाओगे और एक क्लाइंट के साथ हमारी मीटिंग है, वहां पे प्रोजेक्ट की डीलिंग होनी है, तो वहां पर जो भी टेक्निकल वर्ड्स यूज होंगे AWS को लेके, वो आपको वहां पे आंसर करना है, राइट। तो वो तो बहुत हाई लेवल का हो गया, वहां पे बंदा ऐसे नहीं पहुंचेगा, वहां पे बंदा इन सारी चीजों से काम करके ही पहुंचेगा। अगर कोई बंदा आके आपकी कंपनी में बोले यार मेरे को हर चीज का नॉलेज, आप कभी भी उसको उस पोजीशन पे नहीं बैठा दोगे। अगर हाँ मानते कि अगर उसने ऑलरेडी किसी प्रीवियस कंपनी में काम कर रखा है, आर्किटेक्चर का काम कर रखा है, डिजाइनिंग का काम कर रहा है, तब वो स्विच होके आ रहा है, तब तो उसको पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन आप अगर अपना करियर ही मूव कर रहे हो कि यार मेरा अभी पिछला एक्सपीरियंस इस डोमेन का था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का था, या फिर डेटाबेस का था, या नेटवर्किंग का था, या सिस्टम एडमिन का था, और अब मैंने डिसीजन लिया कि मैं क्लाउड पे मूव करूंगा, तो एकदम से तो पोजीशंस आपको नहीं मिलेगी। आपको भी एटलीस्ट 6 महीने 4 महीने ऑपरेशंस पे काम करना होगा और कुछ उसके बाद फिर डिजाइनिंग में काम करना होगा, देन उसके बाद लास्ट में आप पहुंच पाओगे। That means next position that we can target that is the solution architect. Then after we can move to as a consultant position, right? राइट राइट। Okay. तो ये आप अगर डिजाइनिंग के इंटरव्यू में बैठते हो या प्रोफेशनल के इंटरव्यू में बैठते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर के इंटरव्यू में बैठते हो, तो वहां पर आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये एक प्रोजेक्ट है, एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, क्लाइंट्स ने हमें ये रिक्वायरमेंट दी है, इतने यूजर्स होंगे, उनके एक दिन में इतने डेटा जनरेट होंगे, उनको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, उनको ड्यूरेबिलिटी चाहिए, राइट। आप बताओ क्या कॉस्ट बनेगा, सर्विसेज के क्या कॉस्ट लगेंगे, 1 महीने का बिलिंग बता दो हमें ओवरऑल। तो सबसे पहले तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि इनिशियल स्टेज में 5,000 यूजर्स आ रहे हैं, राइट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एप्लीकेशंस है, राइट, वो एप्लीकेशंस डिप्लॉय करने के लिए इनिशियल हार्डवेयर क्या चाहिए। हो सकता है इनिशियल हार्डवेयर आपका 4 GB रैम हो, 2 कोर CPU हो, 8 GB रैम हो, और टोटल नंबर ऑफ हार्डवेयर कितने चाहिए। तो मान लो इनिशियल स्टेज के लिए 8 GB रैम का एक हार्डवेयर चाहिए और 4 CPU चाहिए, और साथ में मुझे लाइक 100 GB के हार्ड ड्राइव चाहिए एक मशीन के साथ, और ऐसे मुझे टोटल 50 मशीन चाहिए। तो ऐसे आप मशीन का कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया, तो आपने एक साइड मशीन का कॉस्ट कैलकुलेट करके आपने साइड रख लिया कि मशीन में इतना कॉस्ट आएगा। देन उसके बाद और आगे क्या चाहिए आपको, फिर आपने बोला कि आगे एक दिन में यूजर का डेटा इतना जनरेट होता है, तो मुझे इतना हार्ड ड्राइव तो चाहिए, ये चाहिए। तो आप एस्टिमेट वैल्यू निकाल के देखो कि यार एक दिन में अगर मुझे कम से कम 150 GB की हार्ड ड्राइव चाहिए, तो आप देखो 150 GB की हार्ड ड्राइव का 1 महीने का कॉस्ट कितना निकल के आ रहा है। तो 1 महीने का कॉस्ट निकल के आ रहा है $200, आपने साइड कर दिया मशीन का कॉस्ट और हार्ड डिस्क का कॉस्ट, दोनों आपने साइड करके कैलकुलेट कर दिया, ये 1 महीने का कॉस्ट है। फिर और क्या रिसोर्सेस इस पे लगेंगे, फिर आपने देखा लोड बैलेंसर्स भी लगेंगे, ठीक है, फिर आप लोड बैलेंसर का कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया आपने, कितने लोड बैलेंसर लगेंगे, एक लगेंगे, दो लगेंगे, तीन लगेंगे, तीन लगेंगे तो 3 लोड बैलेंसर का कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया, आपने साइट पे रख दिया। फिर आपने देखा कि और क्या क्या चाहिए, आपने बोला इसमें डेटाबेस चाहिए, ठीक है, डेटाबेस का कॉस्ट कितना लगेगा, डेटाबेस इनिशियल स्टेज में कितना चाहिए, क्या कॉन्फिगरेशन का चाहिए, अच्छा डेटाबेस $100 पर मंथ, आपने साइट कर दिया। और क्या चाहिए, फिर आपने बोला फायरवॉल भी तो लगेगा यार सिक्योरिटी के लिए, कि कोई बाहर से कोई ट्रैफिक हिट ना कर पाए, अननेसेसरी ट्रैफिक ब्लॉकेज वगैरह करना है किसी को हम लोग, ठीक है, फायरवॉल का कॉस्ट क्या लग रहे, फायरवॉल का कॉस्ट $50 पर मंथ, ठीक है, आपने उसको भी साइड कर दिया। फिर आपने बोला कि यार इसमें फायरवॉल के साथ साथ ठीक है हमें S3 बकेट भी चाहिए, ठीक है, बकेट का कॉस्ट कितना, डेटा स्टोर करना है उसका साइज क्या है, उसका कॉस्टिंग आपने अलग कर दिया। फिर उसके बाद किसने बोला कि मुझे क्लाइंट को ईमेल सर्विस भी प्रोवाइड करनी है, ईमेल सर्विस का मतलब अगर क्लाइंट मेरे क्लाइंट के यूजर्स, जैसे कई बार होते हैं ना कि हम लोग देखा होगा आपने कि आजकल बैंकिंग वाले बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं कि आप अगर किसी को 1 रुपए भी ट्रांसफर करो तो आपको SMS भी आता है कंफर्मेशन के लिए, साथ में ईमेल भी आता है, देखा आपने,
यस और कोई भी सोशल मीडिया में आप चले जाओ तो ये सर्विसेज आपको एसएमएस और ईमेल दोनों मिलती हैं। आप कोई भी सर्विसेज ऑनलाइन पोर्टल पे कुछ भी जाके आप करो, जहां पे आप अपना नंबर और अपना ईमेल आईडी दे रहे हो, तो आपको नोटिफिकेशन मैसेज नंबर पे भी आता है और साथ में ईमेल पे भी आता है ये आपने एक्टिविटीज की है। तो डेफिनेटली कि मेरे क्लाइंट्स ने मुझे बोला है कि हमारे यूजर्स जो होंगे ना उनको भी ये नोटिफिकेशन देनी है, वो कोई भी एक्टिविटीज करें हमारे पोर्टल पे जाके तो उन्हें पता चलना चाहिए ईमेल पे उन्होंने ये किया और मैसेज पे लाइक काइंड ऑफ एक प्रूफ। तो फिर आपको एसएमएस की सर्विस और ईमेल की सर्विस बिल्ड करनी पड़ेगी। फिर आप जाके देखो कि 1 महीने में एसएमएस की सर्विस का क्या कॉस्ट है और इसका क्या कॉस्ट है, आपने उसको भी ऐड करके अलग कर दिया। फिर आपने बोला कि ठीक है ऑनलाइन पोर्टल पे जब यूजर्स लैंडिंग करेंगे तो यूजर जब क्वेरी करेगा राइट, तो किसकी क्वेरी को फर्स्ट रिजॉल्व करेंगे? आपने देखा होगा हम लोग जब ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं तो चैट का सिस्टम होता है, सुना है कभी, देखा तो होगा ना, यस देखो ज्यादातर सपोर्ट में ही चीज होती है। आप अगर डेल की साइट पे चले जाओ, लेनोवो की साइट पे, एप्पल की साइट पे, वहां पे चैट होता है। तो चैट में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट इन का फंडा चलता है FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना। ऐसा कभी नहीं होता कि हांजी मैं पहले एंटर कर दूं और उसका मैसेज पहले आ जाए, नहीं, जिसने पहले एंटर मारेगा उसका पहले रिफ्लेक्ट करेगा। तो मेरे को यहाँ पर एसक्यूएस चाहिए होगा, नहीं तो ऐसे तो फिर झगड़े हो जाते हैं यार, आपने पहले मैसेज लिख के एंटर कर दिया, आपके लिखने से पहले उसका मैसेज आ गया, तो बात तो हो ही नहीं पाएगी कन्वर्सेशन पूरी तरीके से। अगर व्हाट्सएप में मैं आपको हाय लिख रहा हूँ ठीक है और मेरा हाय नहीं पहुंचे और आपने सारी बातें लिख दी तो समझ ही नहीं पाएगा कन्वर्सेशन कहाँ पे जा रहा है। वन टू वन चलता है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट इन का फंडा चलता है व्हाट्सएप में भी, आप देखो सारे मैसेजिंग में यही चलता है। तो सेम यहाँ पर भी है, आपको एसक्यूएस बिल्ड करना पड़ेगा अपने क्लाइंट्स के लिए, उसका बिलिंग आपको निकाल के लाना पड़ेगा, मॉनिटरिंग टूल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उसकी बिलिंग्स आपको निकाल के लानी पड़ेगी, इतने रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग के पर मंथ बिलिंग क्या आने वाली है राइट। उसके बाद आपने यहाँ पर जो सेटअप लगा रहे हो उस पे इंक्रिप्शंस भी चाहिए। इनक्रिप्शन क्यों चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपना जो डेटा मैं AWS पे मूव करके रखूं वो AWS की टीम भी इवन ना देख पाए। तो कहा जाता है कि आप इनक्रिप्शन लगा दो, तो जब तक आप डिक्रिप्ट नहीं करोगे तब तक कोई नहीं दे सकता और उसी की आपके पास है। तो इनक्रिप्शन की सर्विसेज आपको लगाने के लिए फिर उसका कॉस्ट निकाल लो, क्या कॉस्ट बनेगा वो आप साइड कर दो। फिर पता लगता है कि आपने देखा होगा सर्टिफिकेट्स लगाते हैं हम लोग, हम अपनी वेबसाइट्स को HTTPS बेस में कन्वर्ट करने के लिए सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए, SSL सर्टिफिकेट, सुना होगा आप सबने नाम। हाँ यस गवर्नमेंट कहती है कि आप उस वेबसाइट पे कभी मत जाओ जो HTTP में काम करता है, HTTPS पे जाओ। तो फिर आपको सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे, उसका कॉस्ट निकालो पर ईयर क्या जाएगा। इसी के साथ साथ फिर कंपनी बोलती है कि ठीक है यहाँ पर हम लोग पाइपलाइंस भी लगाना चाहते हैं, लाइक कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, ठीक है इसका कॉस्ट आप निकालो फाइनल क्या होगा। फिर कंपनी बोलती है कि हमें नो सिक्वल डेटाबेस चाहिए लाइक DynamoDB फास्ट के लिए, इसका कॉस्ट निकालो। फिर कंपनी कहती है कि हमें लामडा चाहिए यूज करने के लिए कन्वर्ट के लिए, इसका कॉस्ट निकालो। तो ऐसे हर चीज का कॉस्ट आपको निकालना पड़ेगा और कॉस्ट निकालने के लिए इनका कैलकुलेटर होता है, आपको चीज मैं यूज करना दिखाऊंगा बाद में। तो ये कैलकुलेटर है, अब ये जो कैलकुलेटर कॉस्ट निकालना ये ऑपरेशन बंदे का काम है राइट। लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि अगर हम किसी को प्रॉपर ब्रोशर बना के दे रहे हैं या कोटेशन बना के दे रहे हैं राइट, तो डेफिनेटली कि आप मीटिंग में तो डील कर लोगे लेकिन क्लाइंट्स आपको बोलेगा ना कि मेरे को एक कोटेशन बना के दो, तो ये कोटेशन में आप सब मेंशन करोगे सर कि हमने एक एस्टिमेट वैल्यू निकाला है कि आपके इतने यूजर्स के लिए हम इतने सर्वर्स लगाएंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन के इसका पर मंथ कॉस्ट ये है, स्टोरेज का ये है, लोड बैलेंसर का ये है, ऑटो स्केलिंग का ये है, कंटेंट फिल्टरिंग का ये है, लामडा का ये है, डेटाबेस का ये है, रेडिस का ये है, सब चीजें यूज करनी पड़ेंगी आपको। अच्छा भाई ये संजय भाई ये इंफ्रा कॉस्ट का अंदर की कंपनी प्रॉफिट आता है या
क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट मींस सपोज अ क्लाउड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, जैसे कोटेशन करनी, इसके अंदर के तुम्हारा कंपनी का प्रॉफिट आता है या तो कॉस्ट टू कॉस्ट कोटेशन होता है? हाँ कंपनी का प्रॉफिट? कंपनी मतलब मैं समझा नहीं प्रॉफिट। मतलब कंपनी तो कुछ, कंपनी तो बिजनेस करता है ना, हाँ कंपनी बता रहा कोई हूं, समझ गया क्लाइंट कंपनी कैसे कमाएगी, मैं बता रहा हूं। पहले तो कंपनी है। कॉस्ट टू कॉस्ट का बिल बना के दे देगी, ठीक है। हाँ तो हमने बिल बना के, जैसे मान लो मैं अगर किसी कंपनी को लिए काम कर रहा हूं, तो मैंने बिल बना के दे दिया कि इस महीने का बिल जो आया $8,000 आया, ठीक है। तो इस पे तो मैं कुछ भी प्लस माइनस नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक लीगल होता है, ये उनको भी प्रूफ देना होता है। तो इसके बाद मैं कंपनी में बताऊंगा कि मैंने आपके लिए ना 30 मैन पावर यूज किए हैं। अब 30 मैन पावर में मेरा एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, एक मेरा डीजीएम है, एक जीएम है, एक वीपी है, एक वीवीपी है, दो मैनेजर हैं, दो सॉरी। आपने पहले, मैंने बोला कि आपने एक रिसोर्सेस का बिल बना के दे दिया, ठीक है, कि टोटल जो रिसोर्सेस हम यूज कर रहे हैं उसका बिल आया $80,000। फिर आप बोल रहे हो कि इस प्रोजेक्ट्स में मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, मैनेजर है, डीजीएम है, वीपी है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, असिस्टेंट मैनेजर है, सब आपने बता दिए। आपने बोला कि मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर की जो कॉस्ट है, मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर की जो कॉस्ट है वो $20,000 है। मेरे जीएम की जो कॉस्ट है वो $18,000 है पर मंथ। मेरे मैनेजर की जो कॉस्ट है $12,000 है। मेरे सिस्टम असिस्टेंट मैनेजर की जो कॉस्ट है $10,000 है। मेरे जो इंजीनियर की कॉस्ट है वो $7,000 है। तो ये कॉस्ट, ये बिल आप उनको अलग दोगे, राइट। इस पे प्लस आप 18% जीएसटी लगाओगे। जस्ट वन मिनट। तो इस पे आप क्या करोगे, 18% जीएसटी लगाओगे। तो आपने उस क्लाइंट से कितने लिए, $20,000 प्रोजेक्ट मैनेजर की पैसे लिए प्लस 18%। अब आप प्रोजेक्ट मैनेजर को इतने नहीं पे कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या पे कर रहे हो, $8,000। तो जो $12,000 है वो आपकी पॉकेट पे जाएंगे, लाइक आपकी कंपनी में, ठीक है। क्योंकि इनको मैनेज करने के लिए बैकएंड में एचआर भी बैठे हुए हैं, ये इनको आपने लैपटॉप भी असाइन किया है, इनको आपने ऑफिसेस भी दिए हैं, तो उन सबके कॉस्ट आप उस पे मैनेज करोगे जो आपने $12,000। तो इस तरीके से होता है सर। तो आप रिसोर्सेस के बिल अलग भेजोगे, सर्विसेज के बिल अलग भेजोगे, तो आपकी जो इनकम है वो इधर होगी सर, इधर से आप इनकम नहीं लोगे। अंडरस्टैंड, सबको क्लियर यस है? यस 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 क्लियर है सर। और एक क्वेश्चन है, जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल है तो आई थिंक वो अपना एक यूएसपी से शो कर सकते हैं कि हमारे पास इतने सर्टिफाइड क्लाउड प्रोफेशनल्स हैं। दैट इज ट्रू, सो बट अगर अगर या अगर किसी कंपनी का किसी का कोई रिसोर्स मॉडल होता है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी के पास केपीएमजी आता है या फिर और कोई कंपनी आती है या बिग फोर के अंदर का कोई क्लाइंट है, उसको वो बोलता है कि मुझे 4 क्लाउड प्रोफेशनल चाहिए, सो ऑफ कोर्स उनकी जो मिनट, फर्स्ट रिपीट प्रियोरिटी करना, होगी फिर वो से रिपीट सर्टिफाइड लोगों के करोगी आप लिए ही क्या बोल रहे हो, होगी। फिर से रिपीट करोगी आप? ये बोल रहे हैं कि सर्टिफाइड और नॉन सर्टिफाइड होने का मतलब क्या डिफरेंस है, क्या फायदा है, कंपनी क्यों सर्टिफाइड लोगों को ज्यादा रखती है, अच्छा, राइट? सर्टिफाइड लोगों को देखो, उसका रीजन ये होता है कि कोई भी जो क्लाइंट होता है ना, वो सारा कुछ आपको नहीं देना पसंद करते, ठीक है। इसलिए वो आपसे कहते हैं कि आप हमें रिसोर्सेज के बिल अलग भेजो और सर्विसेज के बिल अलग भेजो। तो अब क्लाइंट क्या कहता है, क्लाइंट कहता है कि आपने जो बंदे मेरे काम के लिए हायर किया है ना, वो बंदे का लेबल क्या है,
क्योंकि क्लाइंट ये सोचता है कि चलो ठीक है, काम तो कोई भी कर लेगा, आपने कोई भी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करा के अगर आपने बंदे रख के काम करा लो, ठीक है काम चलता रहा चलता रहा, लेकिन एंड ऑफ डे किसी दिन अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो क्या वो बंदे कैपेबल है हैंडल करने के लिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को? तो ये सबसे बड़ी ब्रांड के साथ सबसे बड़ा इशू होता है, पता है? समझ आ रही है? तो ओके इसीलिए कंपनी कहती है कि मुझे सर्टिफाइड बंदे चाहिए, क्योंकि सर्टिफाइड बंदे मतलब काइंड ऑफ एक प्रूफ दे रहे हैं कि यार कोई अगर सर्टिफाइड किया तो उसका माइंडसेट होगा ना, उसने कैरिकुलम को फॉलो किया होगा, उसने एक लर्निंग की होगी। अगर आपको भी कोई चीज की नॉलेज नहीं तो आप भी सर्टिफिकेट के साइड नहीं भागोगे, तो आप पहले क्या करते हो, नॉलेज लेते हो फिर सर्टिफिकेट करते हो। तो कंपनी को एक प्रूफ होता है कि यार अगर सर्टिफाइड बंदा है तो ठीक है, तो आपकी कंपनी को ना सर्टिफिकेट भेजने पड़ते हैं क्लाइंट्स को कि ये मैं जो बंदे हायर कर रहा हूँ ये सर्टिफाइड बंदे हैं, ऐसे वैसे बंदे नहीं। अगर मैंने डिजाइनिंग के लिए बंदे हायर किया तो ये तो कोई सर्टिफाइड AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल, तो क्लाइंट को लगता है कि हाँ। और कई बार आपने देखा होगा बाहर की कंट्री में तो ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट की बहुत वैल्यू होती है, डॉक्यूमेंट की इतनी वैल्यू होती है कि आपने अगर मेंशन कर दिया कि आप AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल सर्टिफाइड हो, मतलब उनको लगता है कि आप वैलिड पर्सन हो, भला ही आपको कुछ भी नहीं आता हो। और कल को अगर आप कोई मिस्टेक भी करते हो तो आपके सर्टिफिकेट पे फिर वो एक्शन लेंगे कि आप तो सर्टिफाइड थे, आपको ये चीज क्यों नहीं आती थी। समझ डेफिनेटली आ रही बात? और क्लाइंट का रिक्वायरमेंट, ये तो क्लाइंट क्लाइंट का डिमांड रिक्वायरमेंट है करता सर, है। क्लाइंट भाई आप एक काम करो, आप कुछ भी मत करो, आप दो चार सर्टिफिकेट निकाल लो और आप देखो आप बाहर की कंट्री की में आप यूं ही सेलेक्ट हो जाओगे। वो आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे, इंटरव्यू में आपसे एक टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, वो आपका सर्टिफिकेट देखेंगे आपको हायर कर लेंगे। बट प्रॉब्लम्स कब आएगी, जब वो आपको टेक्निकल टास्क देंगे और वहां पर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, तब वो आपके पास लीगल एक्शन लेंगे। इंडिया में तो ऐसा चलो ठीक है फायर कर देते हैं, वहां पे पूरा लीगल एक्शन देते हैं भाई आपकी वजह से हमारी कंपनी को इतना लॉस हुआ है, ये पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा। इस लेवल पे वो लोग काम करते हैं। तो मेरे पास तो बहुत सारे बाहर के बंदे आते हैं जो सर्टिफिकेट क्रैक करके लाइक प्रॉक्सी के थ्रू और सेलेक्ट हो जाते हैं। अब वो सेलेक्ट होने के बाद उनकी सैलरी $10,000 की जॉब लग गई राइट AWS पे। अब वो क्या करते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं आता, अब वो मार्केट में वो बंदे ढूंढ रहे होते हैं जो हमें जॉब सपोर्ट देते हैं, तो अपने $10,000 को $5,000 पे करने को तैयार हैं किसी बंदे को, तीसरे बंदे को जो हमें जॉब सपोर्ट दे दे, एटलीस्ट हम काम तो हमारे थ्रू हो जाए। तो उन्होंने जॉब तो ज्वाइन कर लिया $10,000 का पर मंथ, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम ले लिया, उन्हें कंपनी कोई टास्क दे रही उन्हें आ नहीं रहा, अब वो इंडिया में जॉब सपोर्ट के बंदे ढूंढते हैं, उन्हें बोलते हैं यार मेरे लिए मुझे ना 9 to 5 जॉब सपोर्ट दे दो या मुझे रात में दे दो, क्योंकि यूएस में तो यहाँ पे दिन है तो वहां रात है, तो वो कहते हैं यूएस के टाइम पे मुझे दे दो और मैं आपको $5,000 पर मंथ दूंगा, अब मैं आपको 3,000 एडवांस ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ये चीजें होती है, फिर वो धीरे धीरे 6 महीने तक में सीख जाते हैं तो फिर वो सपोर्ट लेना बंद करते हैं। मेरे पास खुद बहुत सारे फोन आते हैं चीज को लेके, लेकिन अगर आप टेक्निकल अपने आप को कवर करने के बाद फिर आप सर्टिफिकेट कर रहे हो तो फिर तो आप वैलिड हो, आप आपको कभी मार नहीं खाओगे आप। समझ आ गई? किसी को डाउट है? वो सर तो बेसिकली आप ये समझो कि हमारा जो मेन फोकस है ना वो इसी साइड है राइट, हम सारी चीजें A to Z बिल्ड करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे और जितने रिसोर्सेस मैंने आपको बताए हैं ये सारे रिसोर्सेस हम वन-टू-वन बिल्ड करेंगे, और एक प्रोजेक्ट्स भी हम लोग फाइनल प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। हम 3 tier आर्किटेक्चर सेटअप करेंगे इस कोर्स के अंदर, 3 tier आर्किटेक्चर लाइक ये हमारा एक वेबसाइट होगा, एक हमारी एप्लीकेशन सर्वर होगी, एक हमारी डेटाबेस होगी, ठीक है ये हमारा वेब सर्विस हो जाएगी, हमारा यहाँ पे हम कोई भी एक डमी एप्लीकेशन रन कर देंगे, यहाँ पर हमारा डेटाबेस रन कर देंगे और हम पूरी लाइव ट्रैफिक को मूव करके देखेंगे बाहर से हिट करके, DNS सर्विस हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, A to Z हम लोग यहाँ पे लगा के पूरा काइंड ऑफ एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं पूरे कोर्स में। लेकिन प्रोजेक्ट्स करने के लिए आप फर्स्ट डे से ही प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते हो, पहले आप एक एक रिसोर्सेस को
अच्छी तरीके से समझोगे कि भाई ये रिसोर्सेस किस लिए है, लोड बैलेंसर किस लिए है, ईएमआर किस लिए है, रेडिस किस लिए है, मैमकेएसडी किस लिए है, डायनेमोडीबी किसके लिए है, केएमएस कैसे सेटअप होता है, S3 कैसे सेटअप होता है, आपका कोड पाइपलाइन कैसे सेटअप होता है, कोड बिल्ड कैसे सेटअप, ये सारी चीजें पहले हम देखेंगे, फिर फाइनल एक प्रोजेक्ट लगा करेंगे। तो इससे एक आपको आइडिया लगेगा, एक इससे एक आपको एक नॉलेज आएगी कि हाँ यार कंपनी में मैं जाता हूँ तो अगर मुझे ऑपरेशन टास्क मिलता है तो मैं ये कर सकता हूँ। जैसे संजू ने बताया कि मैं ये करती हूँ, तो संजू अभी ऑपरेशंस में काम करती है, इनको ऑर्डर दिया जाता है कि आप ये क्रिएट कर लो, ये कर लो, कर लो, राइट। ये करने के बाद तो ये सारी चीजें तो हमारी ऑपरेशंस पार्ट कवर होना ही होना है A to Z। देन उसके बाद हम लोग डिजाइनिंग पार्ट भी कवर करेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये टास्क मिला तो कैसे करोगे, और जब डिजाइनिंग कवर हो जाता है तो प्रोफेशनल तो देखो ऑटोमेटिक है, डिजाइनिंग आपने कर ली तो कंसल्टेंट तो आप कर ही सकते, ठीक है। तो आज मैं सर यहीं जी, पे मेरी जी ना हाँ मेरी एक क्वेरी और है। जैसे हाँ देखिए ना, हर एक क्लास के एंड में हमें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स के सिनेरियो मिल सकते हैं जो हम घर पे प्रैक्टिस कर पाए। प्रैक्टिकल्स पूरे करेंगे हम लोग, A to Z प्रैक्टिकल करेंगे, और जब मैं प्रैक्टिकल्स करूंगा तो उसकी आपके क्लास की जो रिकॉर्डिंग है आपको फॉरवर्ड करूंगा। प्रैक्टिकल्स हम लोग इतने करेंगे कि आपको उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए 1 वीक भी कम हो जाए। हाँ प्रैक्टिकल को लेके मुझे आप क्लास होगा वो पूरी तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्लास भी होगा, प्रैक्टिकल है, क्लास पूरा राइट? प्रैक्टिकल है, क्लास में कुछ भी थ्योरी नहीं है, थ्योरी हाँ से वही तो। पॉइंट को लेके कि जस्ट लाइक मैं अगर कोई लोड बैलेंसर आपको सिखा रहा हूँ तो लोड बैलेंसर में जो फंक्शंस आते हैं ना, फीचर्स, तो वो एक एक फीचर्स का मीनिंग क्या है वो थ्योरी है बस। एग्जैक्टली, दैट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को क्रिएट कर रहे हैं और उसको क्लिक क्लिक करके क्रिएट कर देना एक सोल्यूशन नहीं है, उन सारे फीचर्स को समझना भी है कि भाई ये बटन किस लिए है, ये कब यूज करना कब यूज नहीं करना, इसका मीनिंग क्या है, तो वो थ्योरी है, बाकी सारा प्रैक्टिकल ही है पूरा। हाँ सर, थ्योरी तो मैंडेटरी है, विदाउट थ्योरी तो प्रैक्टिकल भी फिर हाँ बिल्कुल कैसे हो। बिल्कुल। तो इस बैच में लेकिन हाँ वो बोलिए, प्रैक्टिकल्स तो आप करोगे ना, हमारे लिए, मेरे को अपने लिए भी कुछ वो चाहिए। प्रैक्टिकल्स हम करेंगे, आप देखोगे राइट, और फिर उसकी लेक्चर रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी। आपके पास वीकडेज में पूरा 5 डेज होगा, आप उसको घर पे उस लेक्चर्स को आप देखो और अपने लैपटॉप में परफॉर्म करो। सेम प्रैक्टिकल वी हैव टू डू, राइट? सेम प्रैक्टिकल, कहीं नहीं जाने की जरूरत है आपको, कोई डेमी कहीं, मेरे ट्रेनिंग के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, मेरा प्रैक्टिकल ही जस्ट कॉपी कॉपी पेस्ट करना है आपको। नहीं, एटलीस्ट हमें यहाँ पे कुछ ऐसे डायग्राम्स मिल जाएं जिससे कि आईपी एड्रेसेस क्या सेट करने हैं, या वीपीसी का साइडर होगा। सब कुछ मैं आपको बताऊं A to Z। मैं इसलिए ठीक बोला ना कि पूरा डिजाइनिंग कवर करूंगा तो मेरे को सब कुछ लेके कवर करना है। यहाँ पे तो मैंने एक पॉइंट आपको बताया नहीं कि लाइक मुझे ये भी, आप सेटअप लगाने से पहले तो आपको पहले आईपी एड्रेस कितने निकालना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, किस बेस पे निकालने होते हैं। संजय जी, हम ठीक, लोग AWS में लॉगिन लेना पड़ता है क्या? लॉगिन तो लेना पड़ेगा, ओके, विदाउट लॉगिन हाउ? विदाउट लॉगिन नहीं होता है। या 3 महीने करा था वो ट्रेनिंग के लिए। हाँ, रहता तो लॉन्ग टाइम का है, बट हम लोग ऐसे रिसोर्सेस क्रिएट करते हैं जिसका जो पेड होते हैं ना तो उसके बिल आ जाते हैं, आप पे नहीं करते तो 3 महीने बाद ब्लॉक कर देते हैं। तो मिनिमम कैसा कुछ है उसका भी थोड़ा 3 महीने तक आइडिया तो कहीं दे बंद नहीं होगा। हाँ ये कर सकते हो कि सकते। आप रिसोर्सेस क्रिएट कर रहे हो और रिसोर्सेस क्रिएट करके आप डिलीट कर दो तो फिर कोई दिक्कत। ओके। तो इस बैच में ना अभी और भी लोग ऐड होने वाले, तो मैं अभी ज्यादा नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। हाँ ओके, देन टेंटेटिव क्या टाइमलाइन है, हमारी हमारी टाइमलाइंस क्या है, हम कब तक ये हमारी जो कंप्लीट होगी कर ना, पाए? हमारी जो बैचेस होंगे वो 3 3 घंटे के होंगे, सैटरडे को 7 से 10, और संडे को? संडे नहीं होगा। अच्छा, देन टुमारो वी डोंट हैव एनी क्लास, राइट? हाँ ओनली सैटरडे। ओनली सैटरडे। ओके, नो इशू, नो इशू। ओके, तो हम क्या, हमारा मतलब टारगेट है, हम कब तक फिनिश कर पाएंगे इसको? हम देखो फिनिश इसको कर लेंगे 3 मंथ, 3.5 3 महीने में। ब्रेक कभी नहीं होगा, कोई भी दिन ब्रेक नहीं होगा क्लास, मेरे इनसे कोई भी दिन ब्रेक नहीं होगा, ये मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है।
और अगर आपके एंड से ब्रेक होता है तो आपको क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग लेक्चर तो देखो मिलेगा ही। ठीक है ठीक। और इससे भी कोई फास्ट बैच अगर किसी को 2 महीने में 1.5 महीने में कंप्लीट करना हो और वीकडे का हो अगर तो अगर फास्ट खत्म करना तो फिर आपको वीकडेज में भी आना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए। वीकडेज की टाइमिंग्स क्या है? वीकडेज की टाइमिंग मैं अपडेट कर दूंगा आपको। जैसे हमारे पास अभी कुछ लंदन के लोग भी हैं, यूएस के लोग भी हैं जिनको 2 महीने में खत्म करना है, तो वो वीकडेज में 5-5 घंटे 6-6 घंटे देते हैं हमें। तो हाँ अगर हाँ ऐसा कुछ टाइम है तो आप मुझे अपना टाइम टेबल भेज दें, फिर मैं उसको आपको। मेरा मेरी मेरी जो शिफ्ट स्टार्ट होती है ना वो दोपहर में 1 बजे से स्टार्ट होती है, तो मैं वीक डेज में सुबह के 7:30 आप मुझे से, व्हाट्सएप कर दें। ठीक ठीक है मैं 7:30 से 12:30 तक फ्री हूँ डेली सुबह। है, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दें सारा कुछ। ठीक है डन डन मैं करती हूँ। और किसी को डाउट है क्या? सर एक चीज पूछना था, हम्म। ये जो कोर्स है ये एसोसिएट लेवल है प्रोफेशनल लेवल का होगा? सर इसमें सिसऑप्स भी है, एसोसिएट भी है, प्रोफेशनल भी है, नेटवर्किंग भी है, डेवऑप्स भी है, सब कुछ है। मतलब ये इसको आप किसी सर्टिफिकेट लेवल से कंपेयर ना करें, इसको आप इंडस्ट्री के लेवल से कंपेयर करें। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि जैसे फास्ट ट्रैकिंग के कोर्स होते हैं उसमें बेसिक चीजें कॉन्सेप्ट कराए जाते हैं और वो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं बट इन डेप्थ कम होते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ नहीं रहा इन हूँ। डेप्थ जैसे और आप नहीं डेप सॉरी प्लीज कंटिन्यू। नहीं आप कंटिन्यू कीजिए, कोई नहीं हो गया मेरा। मैं ये बोल रही हूँ आप डेवोप्स के लिए बोल रहे हो, तो डेवोप्स में क्या क्या कवर करेंगे हम इसमें? डेवऑप्स में हम लोग इसकी पाइपलाइन कवर ओके कर रहे हैं, कोड कमिट, कोड बिट, कोड डिप्लॉय, ये चीजें। ओके सर मेरा पूछने का ये मतलब था जैसे मार्केट में कुछ हैं जो ये कह देते हैं कि 40 घंटे में हम डेवऑप्स पूरा करा देंगे, सो उसमें क्या है ना टॉपिक इन डेप्थ जाते नहीं है बट ओवरव्यू ओवरव्यू वो सर हम पूरा 40 घंटे ठीक AWS को दे रहे हैं, 40 घंटे AWS को बहुत होता है। है ठीक है, यही मेरा पॉइंट था। हम सिर्फ AWS को 40 घंटे दे रहे हैं। और किसी का डाउट है क्या? नो डाउट दैट मीन्स हर नेक्स्ट क्लास इज ऑन कमिंग सैटरडे राइट? राइट राइट। ठीक है, मैं इस बैच में अभी और भी लोगों को ऐड करता हूँ, फिर हम लोग मिलेंगे गैदरिंग के साथ। ओके ये रिकॉर्डिंग लेक्चर मैं आप ठीक लोगों को सेंड करवा दूंगा आज का। है ओके संजय, बाय, टेक केयर, ओके थैंक यू थैंक्स बाय। नाइस वीकेंड।